हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, इंडियन एयरफोर्स स्कूल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया। पोस्ट की बात करें तो गाइस पीजीटी पोस्ट पे इंग्लिश एंड गाइस अदर पोस्ट भी इसके अंदर निकल के आया, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो कि जोन की बात करें तो गाइस पूना जोन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आया है। एंड गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले इसके अप्लाई क्रिया क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली, प्लस क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है। डिफरेंट पोस्ट के अंदर गाइस डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिफरेंट सैलरी पैकेज एंड डिफरेंट टोटल वैकेंसी रहने वाला है, प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है। ऑल गाइस हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस आपको बिना स्किप की वीडियो देखनी है ताकि आपका ऑल डाउट ऑल कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो सके। बिकॉज गाइस आप स्किप कर करके देखते हो, जिसके कारण गाइस आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता, फिर आप गलती कर देते हो, वो गलती अपन को नहीं करनी है। एंड गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन लाता हूं। एंड गाइस साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आप तक बिल्कुल तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। तो गाइस बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये अपनी एयरफोर्स स्कूल चंदन नगर पूना की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के है, वैकेंसीज फॉर दी सेशन 2024-25, जिसके अंदर गाइस पोस्ट की बात करें तो पीजीटी पोस्ट पर इंग्लिश सब्जेक्ट का वैकेंसी निकल के आ रखा है। टीजीटी पोस्ट में गाइस कंप्यूटर का है, लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री का है, जूनियर लाइब्रेरियन का है। एंड गाइस ये जो अपॉइंटमेंट रहने वाली है रेगुलर बेसिस पे रहने वाली है, ठीक है। एंड गाइस बात करें हेल्पर की पोस्ट के अंदर, गाइस ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूटमेंट है। तो गाइस जितनी भी पोस्ट मैंने अभी बताई 1-4 जो कि रेगुलर है, एंड सिर्फ ओनली फॉर हेल्पर की जो पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। एंड गाइस अब बात करें गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। गाइस आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। यदि गाइस आप पीजीटी पोस्ट पर इंग्लिश के अंदर वैकेंसी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो गाइस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइस मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC AICTE विद ए मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 50% इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन द एग्रीगेट बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AICTE UGC नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एंड एजुकेशन। एंड गाइस बात करें इसके अंदर बीएड की, तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीचिंग पोस्ट शुड हैव ए कंप्यूटर नॉलेज स्पेशली मिस एमएस ऑफिस बीएड डिग्री इज मैंडेटरी। एंड गाइस बात करें नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, टीजीटी पोस्ट पे गाइस कंप्यूटर सब्जेक्ट का वैकेंसी निकल के जो कि रेगुलर बेसिस पे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइस PGDCA MCA BA फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखी तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल है। एंड गाइस बीएड डिग्री इज नॉट मैंडेटरी, बीएड डिग्री गाइस नॉट मैंडेटरी यानी जरूरी नहीं है। एंड गाइस बात करें इसके अंदर एज लिमिट क्राइटेरिया की पीजीटी इंग्लिश एंड टीजीटी कंप्यूटर के अंदर, तो गाइस 21-50 ईयर्स तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस बात करें नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री के अंदर रेगुलर बेसिस पे 12th आपने पास कर रखी विद साइंस से, तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल है। बीएड की कोई जरूरत गाइस इसके अंदर नहीं है, ना ही जूनियर लाइब्रेरी के अंदर ना हेल्पर के अंदर। एंड गाइस अब बात करें इसके अंदर एज लिमिट क्राइटेरिया, लैब अटेंडेंट एंड जूनियर लाइब्रेरी के अंदर गाइस आपका जो एज लिमिट क्राइटेरिया 21-50 ईयर्स है। एंड गाइस जूनियर लाइब्रेरी के अंदर बात करें गाइस आपकी क्वालिफिकेशन की, तो गाइस आपने मैट्रिक पास कर रखी हो विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल है। एंड गाइस अब बात करें नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, लास्ट जो कि हेल्पर की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है। एंड गाइस इसके अंदर हाईली क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर लेड डाउन, हाउएवर कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड कीपिंग इन व्यू सुटेबिलिटी फॉर ट्रेड ड्यूटीज आया पियोन गार्डनर एंड स्वीपर। एंड गाइस इसके अंदर बीएड की कोई मैंडेटरी नहीं है। एंड गाइस एज लिमिट क्राइटेरिया हेल्पर के अंदर 21-40 इयर्स तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स स्कूल चंदननगर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फ्लोइंग पोस्ट फॉर द ईयर 2024-25। एंड गाइस ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, नोट है तो गाइस आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। एंड गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑफलाइन है, लास्ट डेट की बात करें तो 10 नवंबर 2024 है। एंड गाइस आपको सारे फॉर्म, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट सारे सेल्फ अटैच करके सेंड करने, जो सारे डॉक्यूमेंट गाइस आपको सेल्फ अटैच करके सेंड करने, जो कि बाय पोस्ट के माध्यम से गाइस आपको अपना फॉर्म सेंड करना है। बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स गाइस आपको सेंड करने हैं, कैंडिडेट्स आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एंड गाइस ये जितने भी सर्टिफिकेट है जब लेके जाने, जब आप इसके अंदर शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। एंड गाइस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस इसके अंदर रिटर्न देन आफ्टर आपका इंटरव्यू होगा।
एंड गाइस आपको मैंने बता दिया इसकी जो लास्ट डेट 10 नवंबर 2024 है, नो TA DA विल बी पेड टू अटेंडेंट दी सिलेक्शन प्रोसेस इन ड्रू। एंड गाइस कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो गाइस आप इनकी ऑफिशियल इनके नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बट गाइस ड्यूरिंग स्कूल आवर्स जो कि 7:30 से 1:50 के बीच में गाइस आपको कॉल करना है, ये नहीं कि रात को कर रहे नो। एंड गाइस आपको 7:30 से लेकर 1:50 के बीच में गाइस आपको कॉल करनी है, ठीक है। एंड गाइस ये टर्म्स एंड कंडीशन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। तो गाइस ये अपने इंडियन एयरफोर्स पूना जोन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के, एंड गाइस फॉर्म आपको कहाँ सेंड करना है, एयरफोर्स स्कूल चंदन नगर पूना 14 यहाँ पे गाइस आपको सेंड करना है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो एलिजिबल कैंडिडेट है ऑब्वियसली बात है वो इसके अंदर अप्लाई करें, जो एलिजिबल नहीं है वो इसके अंदर अप्लाई ना करें। एंड गाइस आपको मैं दोबारा रिकैप कर देता हूँ, तो गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑफलाइन है, लास्ट डेट की बात करें तो 10 नवंबर 2024 है, एज लिमिट क्राइटेरिया 21 से 50 ईयर्स है, हेल्पर के अंदर 21 से 40 ईयर्स है, हेल्पर के अंदर गाइस कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एंड गाइस आप जूनियर लाइब्रेरी या लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो गाइस जूनियर के लाइब्रेरी के अंदर 10th पास कर रखी हो तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं, लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री के अंदर आपने प्लस टू विद साइंस कर रखी है तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस आपको मैंने पूरा क्वालिफिकेशन बताया कि किस पोस्ट के अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। एंड गाइस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, रिटर्न देन आफ्टर आपका इंटरव्यू होगा, फीस स्ट्रक्चर बाय पोस्ट के माध्यम से गाइस आपको फॉर्म सेंड करना है। यदि गाइस इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पूना जोन के अंदर गाइस इसके अंदर आपकी सिलेक्शन रहने वाली है। एंड गाइस जिस पोस्ट के अंदर गाइस आपको मैंने बताया कि रेगुलर पोस्ट है ये, एंड गाइस जो हेल्पर की पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड गाइस जो एलिजिबल कैंडिडेट है ऑब्वियसली बात है वो इसके अंदर अप्लाई करें, जो एलिजिबल नहीं है वो इसके अंदर अप्लाई ना करें। एंड गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन लाता हूं। एंड गाइस साइड में बेल आइकन है इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पर पहुंचे। एंड गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स आपको शो हो जाएगा, हालांकि गाइस वहां शो नहीं होता है। तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस इसका लिंक दे दी जाएगा, सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कुछ नहीं करना गाइस, लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। एंड गाइस आपको लिंक पे क्लिक करना है, एंड गाइस आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे, तो गाइस इस चैनल में गाइस आपको टाइम टू टाइम सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक आपको अपडेट करा जाता है। तो गाइस इस चैनल में प्यार दिखाएं, तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, हैव अ फैंटास्टिक डे।